15 साल धरती में आलोप रहने के बाद आज पहली बार अष्टमी के दिन बाहर आया था। भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद आपको प्रणाम करके भगवान शिव का वरदान वो नागमणि लेने जा रहा था जो उस तांत्रिक के पास कैद है। आपने आशीर्वाद देने की बजाय मेरी हत्या कर दी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैं आपको देखकर घबरा गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से मेरे प्राण वापस नहीं आएंगे। आपने नाग हत्या का पाप अपने सर ले लिया। नहीं, अब आपको नाग हत्या के पाप से तभी मुक्ति मिलेगी जब आप उस मणि को तांत्रिक के कैद से वापस लाकर मुझे जीवन दान देंगे। तभी मैं उस मणि को अखंड अमरनाथ के शिवलिंग में लोप कर सकूंगा। तब तक आप मेरे शरीर को संभाल कर रखिए। अरे भाई, कोई है यहाँ? सपेरों की बस्ती कहाँ है? यहाँ से दूसरी पहाड़ी के पीछे। हाँ, और उस बस्ती के तांत्रिक का क्या नाम है? त्रिकाल। ए नागमणि, आज से ठीक एक महीने के बाद नागपंचमी है। उस दिन मैं तुझे सिद्ध करवा के मैं त्रिकाल, त्रिकाल से त्रिकालदर्शी बन जाऊंगा। त्रिकालदर्शी नहीं, कालदर्शी बोल। हाँ, त्रिकालदर्शी नहीं, कालदर्शी बोल। तू न सिर्फ काल को देखेगा बल्कि काल के मुंह में जाएगा। जितनी जबान चलानी है चला ले प्रताप, क्योंकि तू जानता है ना तो मैं तेरी जबान काट सकता हूं और ना ही तुझे मार सकता हूं। अगर जबान काट दी तो मंत्र उच्चारण कौन करेगा, और अगर मार दिया तो मणि सिद्ध कौन करेगा? तेरा यह सपना कभी सच नहीं होगा। सच होगा, जरूर होगा। कभी नहीं होगा, सपने कभी सच नहीं होते। हम पिछले 15 सालों से तेरी कैद से आजाद होने का सपना देख रहे हैं। तुम मजबूर हो और मजबूरों के सपने कभी सच नहीं होते। मजबूर के आंसुओं से डरो त्रिकाल। हाँ। उनकी आंखों से खौफ खाओ। हमारे आंसू तुम्हें एक दिन डुबो कर रख देंगे, हमारी आंखें तुम्हें जला कर भस्म कर देंगी।
त्रिकाल की बस्ती में त्रिकाल की आज्ञा के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता। बोलो तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो? मैं सदानंद हूं, यहां वो मणि लेने आया हूं। वो मणि मेरे जीने का मकसद है, उसे सिद्ध करके मैं त्रिकाल, त्रिकाल से त्रिकाल दर्शी बनूंगा, यानी के तीनों लोगों को देखने वाला बनूंगा। नहीं त्रिकाल, तुम त्रिकाल दर्शी नहीं बनोगे, बल्कि संसार की नागजाति तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, क्योंकि वो मणि शिव का वरदान है। मेरा नाम त्रिकाल है, 20 साल तपस्या करने के बाद मैंने ये तावीज हासिल किया है। जब तक ये तावीज मेरे पास है, नागजाति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं ही त्रिकालदर्शी बनूंगा, समझे? त्रिकालदर्शी तो सिर्फ एक है और वो है ऊपर वाला, इसलिए वो मणि मेरे हवाले कर दो। तू ले जाने की बात कर रहा है? त्रिकाल उस मणि के बारे में सोचने वाले को भी जिंदा नहीं छोड़ता। हेरो, इसे तुम नहीं मेरा वजीर मारेगा। वजीर! भोलेनाथ, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर भगवान। नाथ, तेरी शक्ति अपार है। बेटे, वो मणि मैं प्राप्त करूंगा बाबा, मैं आपको उस पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं बेटा, मैं अपने स्वार्थ के लिए तेरा जीवन दांव पर नहीं लगाऊंगा। धिक्कार ऐसे जीवन पर जो बाबा के काम ना सके। बेटे, मेरा जीवन तो आप ढलती हुई धूप है और तुम्हारा जीवन चढ़ता हुआ सूरज। आकाश की गोद में चमकने वाला सूरज अगर आकाश को उजाला नहीं दे सकता तो उसे राख का ढेर बनके बिखर जाना चाहिए। लेकिन बेटे, लेकिन कुछ नहीं बाबा, आपको मेरी कसम, सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो तांत्रिक रहता कहां है। बिजली, ए बिजली, मुझे तेरा हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो खुद ही स्नान करने जा रही थी। नगीना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, अपने बापू के राज में जितना गुस्सा करना है कर ले। पति के घर जाएगी तो आठों पहर पिटारी में बंद करके रखेगा, फिर देखूंगी तेरा गुस्सा। अपनी बस्ती में कोई सपेरा नहीं जो इस नागिन को अपने बस में कर ले। हाँ हाँ हाँ, लगता है तुझे बस में करने के लिए कोई सपेरा बाहर से आएगा। कौन है ये? कितना सुंदर नौजवान है। हाँ, किसी राजघराने का कोर लगता है। हाँ, अरे हाँ, क्या करिए, देखो उसको क्या हुआ। लगता है इसकी हड्डियों में ठंड समा गई है। भैया कहते हैं ऐसे मौके पर मुंह की भाप देने से गर्मी आती है। बाप रे, फिर दे ना अपने मुंह की भाप। ना ना, मैं नहीं देने वाली। हाँ तो ठीक है।
नगीना, इसे तो अभी तक होश नहीं आया, इसे भैया के पास ले चलते हैं। ओम गुण राय लोश आय नमो हम जय काली महोश लाय नमो हम रिम शंकर मा चंद्र लक्ष्मी देव ना हम सरस्वती को समाप्ति से सुन दो श्री बाह नमो हम जय होश में आय नमो हम होश में आय नमो मैं यहां परदेसी। तुम पानी में बहते हुए जा रहे थे, नगीना ने तुम्हें बचाया और यहां तक लेकर आई। तुम्हारे मुंह की भाप अभी तक मेरे जिस्म को गर्म कर रही है, तुम्हारे होठों का स्पर्श अभी तक मैं अपने होठों पे महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब तुम होश में थे? तब होश में था, मगर अब होश में नहीं है। वेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलूं। देखो परदेसी, अभी तुम सेहतमंद नहीं हो, दो चार दिन यहाँ रुककर आराम कर लो, फिर जहाँ जाना चाहो चले जाना। वेद जी, ये लड़की कौन थी? ये अपने त्रिकाल की बेटी नगीना। ओ, तीर ठीक निशाने पर बैठा है, इसी के जरिए मैं मणि तक पहुंच सकता हूँ। शाबाश जंगे, हर साल की तरह इस साल भी मैं त्रिकाल तुझे अपनी बस्ती का सबसे बड़ा लठैत घोषित करता हूं। मांग तो तुझे मांगना है। मेरा यह इनाम आप पर उधार रहा त्रिकाल, वक्त आने पर मांग लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वाह गिरिवला। अच्छा गुरु, वक्त आने पर मांगो क्या तुम? अरे इस बस्ती में मांगने के लिए एक ही तो नग है, यानी कि त्रिकाल की बेटी नगीना। गुरु,
अपने बारे में कुछ और बताओ बच्चा, घर में और कौन कौन है, तुम कहाँ जा रहे थे? वैद्य जी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, कश्ती में मुसाफिरों के साथ सफर कर रहा था, कश्ती उलट गई, बहता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। भगवान ने जिंदगी के चार दिन और दिए, सो बच गया। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ वैद्य जी? क्यों नहीं, मगर ये तो सपेरों की बस्ती है, तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे? मैं भी वही करूँगा जो यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ के लोग तो जहर बेचते हैं, और तुम्हें तो सांप पकड़ना भी नहीं आता। आता तो नहीं, लेकिन मैं सब कुछ सीख लूंगा वैद्य जी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें त्रिकाल से मिलवा देता हूँ, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर यहाँ कोई नहीं रह सकता। जो नए नाग पकड़े हैं उनका जहर निकाल लेना। त्रिकाल वैद्य जी, आप कहिए क्या बात है? त्रिकाल ये परदेसी है, बेचारा भटकता भटकता यहाँ पर आ गया है, और अब अपनी बस्ती में रहकर हम लोगों का काम सीखना चाहता है। वो तो ठीक है नौजवान, लेकिन काम बहुत मुश्किल है। हम तो सपेरे हैं, और तुम्हें तो बीन बजाना भी नहीं आता होगा। कहीं किसी नाग ने दस लिया तो क्या होगा? तो क्या, बचाने के लिए आप जो हैं? शाबाश। ये सांप पकड़ने का धंधा है परदेसी, कोई पतंग की डोर नहीं जो हाथ बढ़ाया और पकड़ ली। तो क्या हुआ, तुमने क्या माँ के पेट से पकड़ना सीखा था? जैसे तुमने सीखा था वैसे ये भी सीख जाएगा। मैं सिखाऊंगी इसे। तो फिर ठीक है, इसके रहने का प्रबंध कर दो। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी तो क्या, मैं तुम लोगों को अमृत का घूंट पिला दूं, बस एक बार मेरी बात मान लो, वो मणि सिद्ध करता हूं। मैं प्यास से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, लेकिन तुझ जैसे पापी के लिए मणि सिद्ध नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैं पानी लाता हूं, पानी लाता हूं। ये लो, पिला इसे, पिला, पिला। ऐसा जुलम मत करो त्रिकाल, हम प्यास के मारे मर जाएंगे। मरोगे नहीं, सिर्फ तड़पोगे। एक रात और प्यास से तड़पोगे तो होश अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। कल मेरी बात मान जाओगे तुम? क्या हुआ? चलो। मुझे अपनी मौत का गम नहीं है त्रिकाल, लेकिन मैं अपने पति को पानी के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकती। तो फिर क्या, आंसू पिलाएगी अपने? पतिव्रता नारी की ताकत से वाकिफ नहीं है त्रिकाल। एक पतिव्रता नारी अपने पति की प्यास बुझाने के लिए रेगिस्तान से भी पानी के चश्मे निकाल सकती है। रेगिस्तान तो बहुत दूर की बात है, पहले इस कच्ची जमीन से तो पानी निकाल कर दिखा, फिर मैं तेरी शक्ति को मानूंगा। ले।
नगीना, क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों के रास्तों पर फूल बिछा जाते हैं? हर मेहमान के लिए नहीं, कुछ खास मेहमान के लिए। मेहमानों से इतना मोह अच्छा नहीं, मेहमान हमेशा जाने के लिए आते हैं, और फिर परदेसी पर कभी विश्वास करना भी नहीं चाहिए। पंछी एक डाल पर, नदी का पानी एक घाट पर, रमता जोगी एक ठिकाने पर, और परदेसी कभी एक जगह पर नहीं ठहरते। अगर मेरे परदेसी ने पंछी बनकर उड़ना चाहा, तो मैं अपनी नैनों की कटारी से उसके पर काट दूंगी। नदी का पानी बनकर बहना चाहा, तो मैं अपनी मोहब्बत का बांध लगा दूंगी। रमता जोगी बनकर ठिकाना छोड़ना चाहा, तो मैं अपने रूप से उसका जोग भंग कर दूंगी। और अगर देश लौटना चाहा, तो मैं अपने आंसू की बेड़ियां उसके पैरों में पहना दूंगी। अपनी जान बना बैठे चुपके अपनी जान बना बैठे चुपके
बच्चों का नहीं रहना। आप चिंता मत कीजिए त्रिकाल, भोलू के होते हुए या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं वो नाग हूँ, डसता हूँ तो फुनकारता नहीं और चलता हूँ तो जमीन पर अपनी लकीर नहीं छोड़ता। इसीलिए तो तुझे खंडरात की जिम्मेदारी सौंपी है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, चोर पहरेदार की निगाहों से नहीं बच सकता। चोर? कौन चोर? तुम जो खंडरात की मशालें बुझाते हुए यहां तक आए हो, बताओ तुम यहां किस मकसद से आए हो? अगर ना बताऊं तो मजबूरन मुझे तुम्हें त्रिकाल के पास ले जाना पड़ेगा। वो तुमसे अपने आप सब कुछ पूछ लेगा। तुम मुझे त्रिकाल तक नहीं ले जा सकते। तुम शायद मुझे जानते नहीं। मैं वो नाग हूं, डसता हूं तो हुंकारता नहीं, चलता हूं तो जमीन पर अपनी लकीर नहीं छोड़ता।
तू नहीं बताएगा कि तू खंडरात में क्यों गया? मुझे तो पहले से ही शक था त्रिकाल कि ये परदेसी इस बस्ती में किसी खास मकसद से आया है, इसीलिए आधी रात गया, ये खंडरात में गया। तो तू अपना वो खास मकसद भी नहीं बताएगा। जिसने त्रिकाल के साथ धोखा किया वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा। ये तो क्या कह रही है बेटी? मैं ठीक कह रही हूँ बापू, मैं अपनी झोपड़ी में सोई हुई थी कि भोलू वहाँ आया और मेरा मुंह बंद करके मुझे वहाँ से उठा ले गया। मेरी चीख सुन के परदेसी वहाँ आया और मुझे भोलू के चंगुल से आजाद कराकर मुझसे कहा, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नगीना के बयान से प्रमाणित होता है कि अपनी काली करतूत के कारण भोलू मरा। त्रिकाल, परदेसी ने त्रिकाल की बेटी की इज्जत बचाई है, इसलिए मैं त्रिकाल न सिर्फ परदेसी को मुक्त करता हूं बल्कि भोलू के स्थान पर खंडरात का पहरेदार भी नियुक्त करता हूं। रास्ता छोड़ो। छोड़ दूंगा, पहले ये बता कि तूने झूठ बोलकर उस परदेसी को क्यों बचाया? क्या संबंध है तेरा उससे? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। क्या जोरदार आवाज थी भाई, थप्पड़ हो तो ऐसा मजा आ गया। मजा आ गया? हाँ मजा आ गया। फिर शुरू। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बिजली। मेरी दाहिनी दाढ़ में सख्त दर्द है। मुंह खोलो। दातुन तो किया करो। निकालनी पड़ेगी। अरे भाई जी, ये क्या किया? मेरी बाई दाढ़ में दर्द था, आपने दाहिनी दाढ़ निकाल दी। नहीं नहीं, वो क्या है, वो जो कीड़ा था ना, कीड़ा वो इस दाढ़ पर बैठकर तुम्हारी उस दाढ़ को खाता था, इसलिए इसको निकालना बहुत जरूरी था। अरे भाई जी, बहुत दर्द कर रहा है, बिजली से कहिए ना अपनी महकती हुई सांसों से अपना आंचल गर्म करके मेरा गाल सेक दे। क्या कहा? परदेसी, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुमने भोलू को क्यों मारा। जंगी को झूठा साबित करके मैंने तुम्हें त्रिकाल की तलवार से तो बचा लिया, लेकिन जंगी की लाठी से नहीं बचा सकती। परदेसी, तुम ये बस्ती छोड़ के कहीं दूर चले जाओ, मैं तुम्हारी जुदाई का गम ये सोच के बर्दाश्त कर लूंगी कि मेरा परदेसी जहां भी है सलामत है, मेरा है, अपनी नगीना का है। परदेसी, तुम चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। हमने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि कल सामूहिक सगाई का उत्सव है। पसंद किया हुआ लड़का लड़की की कलाइयों में चूड़ियां पहनाएगा, नागपंचमी के बाद उनकी शादी कर दी जाएगी। परदेसी,
आखिर तुम अपनी नगीना को छोड़ के चले गए ना। नगीना? अपनी नगीना को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? परदेसी, कल हमारे यहाँ सामूहिक सगाई का उत्सव है, तुम भी वहाँ आना। सामूहिक सगाई? हाँ, जो लड़की जिस लड़के को अपना वर चुनना चाहेगी वो लड़के को अपनी चूड़ियाँ देगी, लड़का चूड़ियों को लड़की की कलाइयों में पहनाएगा और फिर नागपंचमी के बाद उनकी शादी हो जाएगी। तुम जरूर आना परदेसी, मेरे कलाइयों में चूड़ियां पहनाने जरूर आना, जरूर आना परदेसी। अभी भी मेरा एक इनाम उधार है जिसे मैं आज मानता हूं, और वो है आपकी बेटी नगीना। त्रिकाल की बेटी कोई वस्तु नहीं जो इनाम में दी जाए। हमारी बस्ती के रिवाज के अनुसार हर लड़की को अपना वर चुनने का अधिकार है। और ये भी तो रिवाज है त्रिकाल कि अगर कोई लड़की बाहरी किसी लड़के को अपना वर चुनती है तो उसे लाठी मुकाबला करना पड़ता है। पूछो परदेसी से, क्या मुकाबले के लिए तैयार है? बोलो परदेसी, तैयार हो? बोलो, तैयार हो कि नहीं? जी परदेसी, जंगी बहुत बड़ा लठैत है, हमारी बस्ती में उसकी लाठी की ताप कोई नहीं हिला सकता, मगर तुम मेरी उम्मीद मत तोड़ना। मुकाबला जीतकर मेरी सूनी कलाइयों में चूड़ियां पहनाना, वरना मैं सारा जीवन विधवा के रूप में बिता दूंगी। तुम्हारे अलावा किसी के हाथों से चूड़ियां नहीं पहनूंगी। मुकाबला कल आरंभ होगा। Thank you.
बेटी नगीना की सगाई की खुशी में आज रात बस्ती में जश्न होगा। Thank you.
कौन है? ओह, आप हैं। रेजी घर पे नहीं है। नहीं, नहीं, मैं तो आप ही से मिलने आया था ना। मुझसे? हाँ। मुझे क्यों? क्योंकि मैंने मन ही मन आपको गुरु बना लिया है। गुरु? हाँ। अरे मुझे गुरु बना के क्या करोगे? नहीं नहीं, ना मैं सपेरों के गुण जानता हूँ और ना ही आयुर्वेद के। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, आप में तो सबसे बड़ा गुण है प्रेम गुण। देखिए ना, बस्ती में आए हुए आपको चार ही दिन हुए और आपने बस्ती की सबसे अच्छी कन्या पटा ली। क्या? मेरा मतलब है, सबसे अच्छी कन्या को अपने प्रेम जाल में गूंद लिया। और एक मैं हूँ जिसने बगैर बीमारी के पिछले 5 साल से बैद जी की गोलियां खा खा कर अपनी सेहत बिगाड़ ली है, लेकिन अफसोस बिजली को नहीं पटा सका। गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि बिजली इस खंबे की हो जाए, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम बिजली से शादी करना चाहते हो? हाँ हाँ गुरुजी। तो तेरे बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाँ सोचो। कानला। अरे वाह वाह गुरुजी, धन्य हो। सन्निचकर धन्य हो गुरुजी, भगवान तेरा भला करे। झुमका गिरा रे बरेल। क्या हुआ श्याम भैया? कैसे कहूं बिजली, वो महाबली। महाबली? क्या हुआ महाबली को? महाबली ने तुम्हारे प्रेम में आत्महत्या कर ली। हाय भैया, ये क्या हो गया? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। क्या बहना, लाश कहाँ है उसकी? उस बेचारे की लाश बस्ती के पीछे पड़ी है। अच्छा? महाबली, लेकिन तू कहाँ चली है? डब्बा। महाबली, अगर मैं जानती तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरे लिए जान भी दे सकते हो, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ती महाबली, कभी नहीं तोड़ती। आंखें खोलो महाबली, आंखें खोलो, आंखें खोलो महाबली।
बहना 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 बहना, जो होना था सो हो गया। अब रोने से क्या फायदा, अब इसकी मिट्टी और खराब क्यों करें? मेरे ख्याल से तो बस्ती वालों को बुलाए ताकि जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बहना बहना, बस्ती वालों को बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों, बेचारा प्रेम रोग में मरा है, अर्थी उठाकर इस प्रेमी की ओर बदनामी ना की जाए। बेहतर होगा मिट्टी का तेल डालकर इसे यहीं जला दिया जाए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। जा बिटली जा, जा बेटा घर जाकर मिट्टी का तेल ले आ। नहीं नहीं नहीं, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मिट्टी का तेल और माचिस में लाया हूँ। शाबाश बेटा शाबाश। ओम श्री मुर्दाय अग्नि पचाय नमः। ओम गोल 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 नमः। राम राम महाबली मस्त, राम राम महाबली मस्त, राम राम महाबली मस्त, राम राम महाबली मस्त। मैं मरा रही नाटकबाज, इतना बड़ा नाटक है मेरे साथ, कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तू समझती नहीं बिजली, ये नाटक मैंने नहीं किया था, इसलिए करवाया था। चोर से कहा चोरी कर और साहूकार से कहा रात भर जागता रहे, इसलिए अब साहूकार जाग उठा है। तुम्हारे इस प्रेम रोग की दवा मेरे पास है। अच्छा जल्दी ये लो पुड़ी। जब पुड़ी दे दी है तो कुड़ी भी दे दो ना। दे दूंगा पहले इसको लगा तो। अच्छा अच्छा वाह 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 भाई जी, इसको लगाने से बिजली मेरी हो जाएगी ना? नहीं खुजली तेरी हो जाएगी। अच्छा आपकी और भी एक बहन है? हाँ है, जो तुझ पे चढ़ चुकी है। गुरु जब से ये परदेसी आया है उसने तो तुम्हारी लुटिया डुबो दी। नगीना पर आस लगाए बैठे तो तुम और उड़ा ले गया वो, और तो और उसने तुम्हें झूठा साबित करके खंडरात की पहरेदारी भी हासिल कर ली। अब तो तुम बीन बजाओ और सांप पकड़ो। नहीं शेरा, नगीना और खंडरात की पहरेदारी का हकदार मैं हूँ। मैं ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। जा पनियर और उस परदेसी को खत्म कर दे। गुरु अब तो तुम्हारा काम हो ही गया समझो। नगीना नगीना नगीना, तेरी परदेसी को मारने के लिए जंगी ने फनिया नाग भेजा है। तू उसे बचा ले नगीना, जल्दी से बचा ले। भागती कहाँ है बुलबुल, मैं परदेसी की चीख सुनने के लिए यहां खड़ा हूं, तू भी सुन। शेरा जाके देख फनीर अपना काम करके वापस क्यों नहीं आया, जल्दी जा। अच्छा गुरु मैं भी देख के आता हूं। मेरा नाम मोहिनी है, इच्छाधारी नागिन। अक्सर यहां आती हूं त्रिकाल को टसने के लिए, लेकिन उस तांत्रिक ने अपने आसपास की जगह मंत्रों से कील रखी है, इसलिए उसे डसने में नाकामयाब रहती हूं। आप त्रिकाल को क्यों डसना चाहती हैं?
क्योंकि मुझे वो मणि चाहिए। लेकिन वो मणि तो मुझे भी चाहिए। मैं जानती हूँ, मगर वजह नहीं पूछूंगी। उस मणि को यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आने वाली नाग पंचमी को त्रिकाल उसे सिद्ध कर लेगा, और उसके बाद वो त्रिकाल से त्रिकाल दर्शी बन जाएगा, जो इस संसार के लिए अनर्थ सिद्ध होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं मिलकर मणि को प्राप्त करें। हाँ? कोई आ रहा है, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले तुम यहां से चली जाओ। सुनिए, आप इतना बताइए, अगर मैं आपसे मिलना चाहूं तो कहां और कैसे मिलूं? ये दो पत्थर लो, जब भी मेरी जरूरत पड़े इन्हें आपस में घिस लेना। मैं जहां भी होंगी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। कौन है? मैं, त्रिकाल। क्षमा करना त्रिकाल। नहीं नहीं, हमें खुशी हुई कि तुम इतने चाकन्ने पहरेदार हो। बस ऐसे ही पहरे देते रहना हमेशा। जी। रगड़ने का ऐसा नुस्खा तैयार करूंगा मैं कि तू हमेशा हमेशा के लिए मेरी बहन बिजली को भूल जाएगा। दूध का कटोरा हो, मिट्टी का कसोरा हो, कसोरे में उठ जा, उठ जा, मुसाफिर भाई उठ जा, घर पे रगड़ूंगा। वहाँ तेरी बहन बिन बिहाए लेटी है और तू यहाँ लंबी दान के लेटा है। गाय का गोबर डालूंगा, आकर तेरे मुंह पे रगड़ूंगा। मैं ऐसा रगड़ूंगा। तुम घबराओ मत वत्स, मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ, मैं तो देव हूँ। देव? देव कौन सा? कपिल देव? काम देव, काम रूप काठमंडू वाले। कटिमुंडी? ये नाम तो कभी सुना ही नहीं। कभी काठमंडू गए हो? नहीं तो। पहली वजह यह है और दूसरी वजह यह है कि मेरे भक्तों ने मेरा प्रचार नहीं किया, और बगैर प्रचार के कलाकार तो क्या देवता भी गुमनाम हो जाते हैं। प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा क्षमा। जुम्बिश मखुल क्षमा। प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रभु बताइए ना। हमारी सेवा करने वाली तो प्रभु, वो तो मेवा है, सेवा इधर
प्रभु। तो जा वत्स, जल्दी से जाके अपनी बहन का ब्याह रचा के पुण्य कमा, गंगा नहा और अपने सर से शनि हटा। लेकिन प्रभु मैं मजबूर हूँ क्योंकि हमारी बिरादरी में दूर दूर तक कोई भी योग्य वर ही नहीं है। मूर्ख, महामूर्ख, आंखें होते हुए भी तू अंधा है। तुमने शायद महाबली को गौर से नहीं देखा, तुम्हारी बहन के लिए वही सबसे योग्य वर है। महाबली वो तो बिल्कुल उल्लू का पट्टा है प्रभु, और ऊपर से उसको हिचकी की बीमारी भी है। अगर मेरा बस चले तो हिचकी के साथ साथ उसकी सांस भी हमेशा के लिए बंद कर दूं मैं। मेरी सांस बंद करेगा महाबली जोर भले भी
तुम? मैं ये बताने आई हूँ कि नागपंचमी को सिर्फ 15 दिन बाकी है। तुम फिक्र मत करो बहन, मैं कोशिश करूंगा कि नागपंचमी के पहले पहले मणि हासिल कर लूं। बीन की आवाज आ रही है बहन, लगता है त्रिकाल को तुम्हारे जिस्म की बू आ गई है। इससे पहले कि वो यहां आए, तुम यहां से चली जाओ। मोहिनी, कहीं आप वही इच्छाधारी नागिन तो नहीं जिसने मेरे परदेसी की जान बचाई थी? हाँ, पर तुम कौन हो? मैं त्रिकाल की बेटी नगीना। तुम उनकी बेटी हो? आप इतनी परेशान से क्यों लग रही हैं? तुम्हारे पिता मुझे कैद करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। चाहो तो मुझे पकड़कर तुम उनकी मदद कर सकते हो, और चाहो तो तुम मुझे बचा सकते हो। एहसान करने वालों को तो नाग भी नहीं डसते, हम तो इंसान हैं। आपने मेरे परदेसी की जान बचाई थी ना, उस एहसान का बदला मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकती। इससे पहले कि बापू यहां आ जाए, आप मेरी पिटारी में आ जाइए। इस दवा से दुनिया भर में मेरा नाम हो जाएगा। बिजली 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 बिजली। मैं माला माल हो जाऊंगा, दुनिया मेरी पप्पी लेगी। बिजली की पप्पी कौन ले रहा है? शायद मैं अपनी दवा की खुशी में पागल हो गया हूं। बन गई बन गई। बिजली आई। अरे ओ बिजली बिजली। क्या बात है, ऐसे क्यों हंस रहे हो? जल्दी बोलो, मुझे मंदिर जाना है। अरे मंदिर को छोड़, अब ये देख, मैंने एक ऐसी गोली बनाई है कि एक खाने से आदमी फिर से जवान हो जाता है। जवान हो जाता है?
लगता है मुझे तेरी आंखों के लिए कोई दवाई देनी पड़ेगी। गोली यहाँ और तू वहाँ देख रही है। गोली क्या हो भैया? गोली मैं कह रहा था कि ये गोली खाने से आदमी जवान हो जाता है। एक गोली खाने से अगर आदमी 50 साल की उम्र का हो तो वो 45 का हो जाएगा, अगर 45 का हो तो 40 का हो जाएगा, 40 का हो तो 35 का हो जाएगा, इस तरह 5 साल करते 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 आखिर में अंदर। वाह भैया, तो गोली आप क्यों नहीं खा लेते? अरे कमाल करती हो, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो तुम्हारी तीसरी भाभी आ रही है बिजली। फिर ये गोलियां जाया क्यों करूं? अगर मैं यही गोली जाकर शहर में बेचूं तो मुझे एक एक गोली के 25,000 मिलेंगे और फिर तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से राजकुमारी की तरह कर दूंगा। और तुम्हारी तीसरी भाप बिजली, बिजली जाने कहां चली गई? ये आपने क्या कर दिया? अगर संक्षेप में कहा जाए तो मैंने मन ही मन तुम्हें अपनी धर्म पत्नी मान लिया है। अब तुम्हें स्वीकार हो या ना हो, यह सब तो ठीक है, लेकिन जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतनी ही नफरत भैया आपके हिचके से करते हैं, और उनके आशीर्वाद के बगैर ये शादी तो अधूरी रहेगी। कोई बात नहीं, तुम्हारा अर्धांगना होने के नाते मैं ही आशीर्वाद ले आता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन के लिए, जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन के लिए। हे प्रभु उस गंदे कवि ने महाबली से मेरी बहन की रक्षा करना। ओम श्री महाबली रक्षाय नगरी नमः। ओम रक्षा। जय श्री शंभु। धन्य हो वैद्य, धन्य हो। अरे धन्य हो। अरे तुम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैद्य जी, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। मुझसे क्यों? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी पत्नी अखंड सौभाग्यवती रहे। अरे अवश्य पुत्र, अवश्य। लेकिन ये आशीर्वाद तो तुम्हारी पत्नी को लेना चाहिए, तुम क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो आपके पास आने से डरती है। डरती है मुझसे? क्यों? अरे मैं को भूत हूँ, यमदूत हूँ, जल्लाद हूँ, कसाई हूँ। भाई हूँ, भाई हो। किसका भाई? लड़की के। अच्छा अच्छा। कहीं तुम्हारा इशारा बिजली की तरफ तो नहीं है? बजी, अगर मैं कहूं कि मैंने बिजली से शादी कर ली है तो मैं तुम्हें जान से मारा लूंगा। वा, 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 वा। अगर मैं कहूं कि बिजली ने मुझसे शादी कर ली है तो क्या होगा? इसमें फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बिजली तो मेरी बहन है, लेकिन भैया इसमें तो है का। सुहाग के सेज के लिए जंगल में बड़ा बड़ा फूल चुनने गई है। क्या तुम लोग मुझसे पूछे बिना सुहाग रात भी मना रहे हो और तुम यहाँ पर मेरा आशीर्वाद लेने आए हो? ठहर जा, अभी देता हूँ आशीर्वाद। वो फूल लेने रही, तू आशीर्वाद लेने आया, अभी ले आशीर्वाद। भाग्या पुतिल, भाग्या।
सोच में छोड़ दिए हैं, तेरी सोच में छोड़ दिए हैं दुनिया के सब काम, लेके तेरा नाम, लेके तेरा नाम। जी को कहते सुना था कि गोली से ताकत आती है। अरे नहीं नहीं, सुहागरात का मामला है। जमीन इतनी करीब कैसे आ गई? अरे ये छत इतनी ऊपर कैसे हो गई? कमाल है। अरे ये बोतल इतनी बड़ी कैसे हो गई? खैर छोड़ो, बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। बिजली खोलो मेरी जान। अरे बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निर्लज्ज बेशरम, अपने पति को बेटा कहती है। तुम महाबली हो? हाँ मैं महाबली हूँ। तुम्हें क्या हो गया? अरे होना क्या था, तुम्हारे भाई की बनावी पांचों गोली मैंने खा ली और अपनी उम्र से 25 साल छोटा हो गया। क्या? बिजली बिजली उठना, बिजली मैं मामा बन गया। पूरे गांव में मिठाइयां बटवा दो, शहनाइयां बजवा दो, मैं मामा बन। लेकिन एक ही रात में बच्चा, वो भी इतना बड़ा और ऊपर से मुच्छी वाला। ये बच्चा नहीं है भैया, ये तो आपके बहनोई साहब हैं। बहनोई? इतना छोटा महाबली नहीं हो सकता क्या? बहनोई? हाँ साले साहब, आपकी बनाई हुई पांच गोली मैंने एक साथ खा ली। क्या?
मेरी 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 इतनी कीमती गोली खा गया तू। क्या करूं लुका पट्टा कभी ना साला, इसने तो धोखे से मेरी बहन के साथ शादी की और ऊपर से मेरी 25,000 की गोलियां खा गया। ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन बहना तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास इन गोलियों की काट है। हाँ, अगर मैं से एक गोली दे दूँ ना तो ये फिर से जवान हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना गोली, तुम्हारी बहन की गोद में मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुश। अबे चुप है, लेकिन मेरी बहन कितनी नाखुश है इसके बारे में सोचा कभी? अरे ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। तभी ठहर जा, भी देता हूँ गोली। नहीं मैं गोली नहीं खाऊंगा, बिजली से समझा। ये गोली खा। नहीं खाऊंगा। ये गोली खा। नहीं खाऊंगा। गोली खा। नहीं खाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। तुम करना क्या चाहते हो? बिजली इस मल्ली का एक सिरा इसके मुंह में डाल दे। मुंह में? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। इसके मुंह में? मैं नहीं खाऊंगा। इसके मुंह में? बिजली इसके मुंह में? मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, अब मैं गोली खिला के फूंक मारूंगा। गोली पेट में जाएगी। अरे बदमाश, ये तूने क्या किया? मेरा वार मुझे पिछला दिया। हे भगवान, क्या हो रहा है? भैया, हाय मेरे भैया, भैया, हो गया। साले, साली, मैं जानता था तू कोई ना कोई हरकत करेगा, इसलिए मैंने तुझे पहले ही फूंक मारकर गोली खिला दी। चलो जल्दी से मुझे गोली खिलाओ, ताकि मैं पहले जैसा था वैसा हो जाऊं। चलो जल्दी करो। ठहर जा बदमाश, ठहर। अरे बदमाश कहती मुझे साली। चलो जल्दी करो। ये गोली है जमाल गुट। देखा मेरी जान। भैया, महाबली, तू तो बड़ा बाका चला है रे। अब समझ में आई कि बिजली तुझसे क्यों जान देती है। ओए, अब तू भी कोई गोली खा ले और पहले जैसा था वैसा बन जा। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है? अब तो हम दोनों बहनें मिलकर तेरे साथ ही रहेंगी। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं, बात नहीं, मुझे विद्या कहो। हाँ विद्या, मैं बिजली के साथ ही खुश हूँ, है ना? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बेटी, मैं जहर बेचने शहर जा रहा हूँ, 2-4 दिन में लौटाऊंगा, अपना ख्याल रखना। जी बापू, आप चिंता मत कीजिएगा। चल शेरा। जी त्रिकाल। तुम उस मणि तक नहीं पहुंच सकते बेटे, उस दुष्ट तांत्रिक ने मणि की आसपास की जगह को अपने मंत्रों से कील रखा है। आप कौन है बाबा? मैं उस त्रिकाल का कैदी हूं बेटे। कैदी? क्या अपराध किया आपने? मेरा अपराध यह है कि मैं मणि सिद्ध करने के मंत्र जानता हूं, और यह है मेरी पत्नी। लेकिन तुम यहां मणि लेने क्यों आए हो बेटे? नागेश्वर नाम के एक नाग की हत्या का पाप मेरे धर्म पिता पर आ गया है। नागेश्वर? भूल से उनके हाथों से उनकी हत्या हो गई, अब इस मणि से ही उन्हें उस पाप से मुक्ति मिल सकती है। तो अब वो मणि मुझे ही सिद्ध करनी पड़ेगी। त्रिकाल की कैद से छूटेंगे तब ना। जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो भी एक ना एक दिन मौत के मुंह का निवाला बनता है। आदमी का जिस्म क्या है, चंद सांसों का मकान, खून का गारा है इसमें, ईंट इसमें, हड्डियां,
मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। ऐसे तो कई सालों से मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, कभी कभार कोई मनुष्य दर्शन करने आता है। पुजारी जी, इतना अच्छा मंदिर होते हुए यहाँ कोई दर्शन करने क्यों नहीं आता? इस मंदिर की मान्यता है कि भगवान शिव एक बार यहाँ पधारे थे, तब से हर नाग पंचमी के दिन सिर्फ नाग जाति ही दर्शन करने आती है, मनुष्य नहीं आते। अच्छा मैं चलता हूँ, आप लोग दर्शन कीजिए। अच्छा जी। अरे अपना बेटा शाम कहाँ है? वो देखो फूल चुन रहा है। ओम नमः शिवाय। भाई साहब। हाँ? क्या बात है भाई साहब, आप इतने घबराए हो क्यों? मेरा नाम नागेश्वर है, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। क्या? मेरे पीछे एक सपेरा पड़ा हुआ है, मेरे पास भगवान शिव का वरदान ये मणि है, वो इस मणि को सिद्ध करके त्रिकालदर्शी बनना चाहता है। आप ये मणि रख लीजिए, मेरी अमाना समझ कर रख लीजिए, आज से ठीक 15 साल के बाद ये मणि नाग पंचमी के दिन से दोगी। मैं धरती में आलोप होने जा रहा हूं, 15 साल के बाद आकर अपनी अमानत वापस ले जाऊंगा। अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाए या मैं मर जाऊं, तो आप ये मणि सिद्ध करके अखंड अमरनाथ के शिवलिंग में आलोप कर देना। लेकिन ये मणि सिद्ध होगी कैसे? एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको बताता हूं। आप इस मंत्र को 1,00,000 बार पढ़कर आहुति दे देना, ये मणि सिद्ध हो जाएगी। अच्छा तो वो मणि तेरे पास है, ला वो मणि मेरे हवाले कर दे। नहीं, ये नागेश्वर की अमानत है, आज से 15 साल बाद ये मणि उसे लौटानी है। 15 साल तो वो जिंदा भी नहीं रहेगा, मैं त्रिकाल उसे मार डालूंगा। छीन लो मणि इसके हाथ से। मणि तो मेरे पास आ गई, अब सिद्ध करने का मंत्र भी बता दे। हरगिज नहीं, मैं वो मंत्र तुझे कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? तू मेरी ताकत को नहीं जानता कि कितना जालिम हूं मैं। जालिम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो मौत के मुंह खाने वाला जरूर बनता है। ले जाओ इसे। नहीं नहीं नहीं, बेटे। क्या हुआ? आओ आओ मेरे पास। क्या हुआ? कौन हो बेटे, रो क्यों रहे हो? चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। कौन है तुम्हारे बापू? बापू! क्या हुआ बेटा? मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे आप लोगों के दर्शन हुए, और कितना बदनसीब
कि आप लोगों के सामने खड़ा हूं। ना बाप के खून ने जोश मारा क्या, और ना मां के दूध ने। क्या तुम? हाँ मां, मैं ही तेरा बेटा। शाम हो गया। शाम? मेरा बच्चा, हमारा बेटा शाम है। ये मां, पिताजी, मणि प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए जिससे मैं आप लोगों को इस कैद से और अपने धर्म पिता को पाप से मुक्ति दिला सकूं। जब तक त्रिकाल जिंदा है ये नहीं हो सकता बेटा। उसकी मौत के बाद ही उसके मंत्रों की शक्ति खत्म हो जाएगी और तभी तुम मणि प्राप्त कर सकते हो। तो समझ लीजिए पिताजी कि त्रिकाल कल का सूरज नहीं देख सकेगा। शाबाश परदेसी, मुझे मालूम था एक दिन तू यही करने वाला है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा और तुझे मैं नहीं मारूंगा, तुझे मारेगा त्रिकाल। जिस राज को बचाने के लिए मैं भोलू को मार सकता हूं, उस राज को बचाने के लिए मैं तुझे भी। भैया मुझे क्यों याद किया? हमारे राज को जंगी जान चुका है, वो मुझसे बचकर पता नहीं कहां छुप गया है। तुम इच्छाधारी हो, उसका पता लगा सकती हो। अगर जंगी ने हमारा राज त्रिकाल को बता दिया तो हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा। वो जहां भी छुपा होगा मैं उसे खोज निकालूंगी। ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी।
कौन हो तुम? मोहिनी, इच्छाधारी नागिन। क्या करने आई हो यहाँ? तुझे डस नहीं। शायद तुझे मालूम नहीं कि मैं एक सपेरा हूं। मालूम है, ना तेरे मंत्रों में इतनी ताकत है, ना तेरी बीन की आवाज में इतनी शक्ति है कि मोहिनी को अपने बस में कर सके। मेरी बीन की आवाज में न सही, लेकिन मेरी लाठी में इतनी ताकत है कि तेरे लिए एक ही बार बात होगा। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी लाठी के वार पर? मुझे अपनी फुंकार पर गुरूर है। चला अपनी लाठी की वार। गुरूर था ना तुझे अपनी लाठी के वार पर? कब हुआ ये सब? त्रिकाल, रात को किसी नाग ने जंगी को ढस लिया। इस इलाके में कौन से ऐसे नाग की इतनी हिम्मत हुई जिसने त्रिकाल जैसे तपस्वी तांत्रिक के आदमी को ढस लिया? इसे किसी मामूली नाग ने नहीं, इच्छाधारी नागिन ने काटा है। लेकिन त्रिकाल, आपको ये कैसे पता चला किसे किसी इच्छाधारी नागिन ने काटा है? मेरा नाम त्रिकाल है। 25 साल तपस्या की है मैंने। नागों की जाति और उनके फनों से वाकिफ हूं मैं। इस इलाके में जरूर कोई इच्छाधारी नागिन है जिसने इसे मारा है। मैं उस नागिन को नहीं छोड़ूंगा। बंद कर अपनी बीन। दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरी बीन के असर से खींच के आने वाली नागिन मुझे मौत की धमकी देती है। मैं तेरी बीन के असर से खींच कर यहां नहीं आई, बल्कि तुझे तेरे मंत्रों से किली जगह से बाहर लेकर आई हूं। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? उल्टे तूने मेरे आदमी को डसा है। तेरे पास मेरे पति नागेश्वर की वो मणि है जिसे तूने अपने मंत्रों से कील रखा है। मैं तुझे डस कर वो मणि हासिल करूंगी। अच्छा, तो तू उस नागेश्वर की पत्नी है? अरे तू तो मेरे लिए वरदान बनकर आई है। तू तो वो मणि सिद्ध करने का मंत्र जरूर जानती होगी। वो सिद्धि प्रताप सिंह तो मेरी बात मानता नहीं। आ, मैं तुझसे वो मणि सिद्ध करवाऊंगा।
तेरी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी त्रिकाल। नागिन, जब तक मेरे गले में ये तावीज है और हाथ में ये बीन, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझे अपनी बीन से मस्त करके अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ। इसके गले से वो मंत्रयुक्त तावीज निकाल लो, बाकी इसे मैं देख लूंगी। मेरा नमकखोर नौकर। कौन नमकखोर नौकर? मैं उस नेक इंसान प्रताप सिंह और देवी पद्मावती का बेटा हूं जिनको तूने कैद कर रखा है। आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकता। तो वो भाग गया, लेकिन कब तक भागेगा? जिस दिन मेरे पति नागेश्वर धरती से बाहर आ गए, वो दिन त्रिकाल की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बहन, मुझे आज ही पता चला कि तुम नागेश्वर की पत्नी हो। तुम मेरे पति को कैसे जानते हो? जानता तो नहीं, लेकिन उनका जिक्र सुना था। जिक्र सुना है? क्या वो धरती से बाहर आ गए हैं? कहाँ है वो? मैं किस मुंह से कहूं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या क्या हुआ उन्हें? तुम जवाब क्यों नहीं देते? क्या हुआ उन्हें? मेरे धर्म पिता के हाथों तुम्हारे पति की हत्या हो गई। हाँ बहन, तुम्हारे पति को जीवन दान और अपने पिता को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मणि का प्राप्त करना जरूरी है जो त्रिकाल के कब्जे में है। उस मणि को आज ही प्राप्त करेंगे। तुम यही रहो भैया, मैं मणि लेकर आती हूं। नहीं बहन, वो जगह मंत्रों से किली हुई है। मंत्रों की आग की लपट से ऊंची मेरी उड़ान है बहन। मेरी मणि को किसी ने छुआ है। बहन आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जाओ। बहन, जो पतिव्रता को करना चाहिए, अगर एक पतिव्रता नारी अपने पति के लिए सती हो सकती है, तो हम नागिनें अपने पति के लिए सती क्यों नहीं हो सकती? अगर इस मणि से मेरे पति को जीवनदान मिल सकता है,
तो मेरे पति के जीवन के लिए मेरे लाखों जीवन कुर्बान। ये लो मणि और जाओ, सबका उद्धार करो। बहन, ये नहीं। आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो ही गया, लेकिन मैं त्रिकाल ऐसे हार मानने वाला नहीं। वो भाग कर जाएगा कहां? कल नाग पंचमी है, मणि कल ही सिद्ध होगी और प्रताप खुद मेरे पास मणि लेकर आएगा। जीते रहो, शाबाश श्याम। चलो बेटे, अब इस मणि से नागेश्वर को जीवन दान दें और अपने इस कर्तव्य से मुक्ति पाएं। शेरा, हवन कुंड की अग्नि प्रचंड करो, मैं नाग भस्म यज्ञ करूंगा। क्या नाग भस्म यज्ञ शुरू कर रहा है? हाँ, और अब तक तो हवन कुंड की अग्नि भी प्रचंड हो चुकी है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए बेटा। ये नाग भस्म यज्ञ होता है माँ? दुनिया भर के नाग इस हवन कुंड में जलकर भस्म हो जाएंगे। इस धरती से नाग जाति का नामो निशान मिट जाएगा। बेटा, हमें वो मणि लेकर फौरन उसके पास जाना चाहिए। हम नाग के पुजारी हैं और शिव के भक्त, हम ये स्वर्ग नहीं देख सकते। आप मणि लेके वहाँ नहीं जाएंगे। मेरा बापू बहुत बड़ा तांत्रिक है, तो क्या हुआ? भगवान नाम की भी कोई शक्ति है कि नाग भस्म यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
तूने मेरा कोई कार्य संपूर्ण नहीं होने दिया। मेरा नाम भी त्रिकाल है, हार नहीं मानूंगा मैं। हमें नागेश्वर जी को अकेला नहीं भेजना चाहिए था, उन्हें खतरा हो सकता है। मैं अपने बापू को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मिनी के लिए कहीं ना कहीं जरूर घात लगाए बैठे होंगे। हाँ बेटे, और नागेश्वर भी बीन की आवाज से मस्त हुए बिना नहीं रह सकते। और मैं जानती हूँ बापू की बीन की आवाज में और सुरु में बहुत शक्ति है। नगीना ठीक कह रही है, हमें उनका साथ देना चाहिए, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। त्रिकाल, मणि भी मेरे पास, नागेश्वर भी मेरे पास, अब तो यह मणि सिद्ध होकर ही रहेगी। अब मुझे त्रिकालदर्शी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मेरे पास है, अब तो मुझे इस तावीज की भी कोई जरूरत नहीं। त्रिकाल, असली मणि मेरे पास है। नागेश्वर जी, अब आपको त्रिकाल से कोई खतरा नहीं है, अपने विष से इसके जिस्म को नीला कर दीजिए। बेवकूफ, मैं जानता था कि तुम ऐसी कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, लेकिन मैं त्रिकाल हूं। मैंने नकली तावीज फेंका था, जानता है असली तावीज कहां है? असली तावीज ये देख। और अब मैं नागेश्वर को भस्म कर दूंगा। नहीं त्रिकाल, नागेश्वर को छोड़ दो। तो फिर असली मणि मेरे हवाले कर दे। हाँ, तुम कितने ना समझ हो त्रिकाल, तांत्रिक होते हुए भी तुम ये पता ना कर सके कि असली मणि कौन सी है और नकली कौन सी। असली मणि ये है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, असली मणि ये है। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी मणि से पूछ लो कि असली मणि कौन सी है। बोल बोल मणि, असली मणि कौन सी है?
बोल। Oh,